हेलो, गुड अबेंड विगेटर्स। ओके, इज माय वॉइस क्लियर? इज द स्क्रीन विजिबल? ओके। वो कान मान आइन बेट काउफिन। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो पिक्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किस चीज का दुकान है। ओके, और नीचे जो राइटिंग में दिया गया है वो आपको अगर कौन सी चीज खरीदनी है तो कौन से दुकान में जाना है, तो हमें मैच द पेयर्स करना है इसमें। और जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, वो कान मान आइन बेट काउफिन, बेट वे ऑफ इंग्लिश, बेट का मीनिंग क्या होगा? वेर कैन यू गेट बेड? या रिश्ट इज वेरी गुड, बेट, बेड का ऑप्शन। तो नीचे आप यहाँ पे देखिए, नोटियर एन जी दी नुमर, मतलब आपको नंबर वहां पे लिखते जाना है आगे आगे के बॉक्स में। जी म्योस्टन आइन बेट काउफेन, गेशेफ्ट नुमर, कौन सा गेशेफ्ट होगा इसमें से? तो नुमर फियर इज म्योबेल। ओके, कौन सा वर्ड मैच करेगा? तो म्योबेल, म्योबेल इज, लास्ट लेक्चर में भी हमने म्योबेल देखा था। करेक्ट, फर्नीचर। सो बेड फर्नीचर। देन जी म्योस्टेन आइन डिजिटल कैमरा काउफेन। काउफेन का मतलब क्या होता है? काउफेन वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बाय समथिंग, राइट? तो आइन डिजिटल कैमरा काउफेन विच गेशेफ्ट नुमर, गेशेफ्ट इज शॉप, तो जो ऊपर शॉप के फोटोज दिए गए हैं, राइट? तो वो शॉप में से कौन सा नंबर आएगा? नुमर आइंस रिस्टिश सिटी फोटो, वेल्शेस वोर्ट सिटी फोटो। जे गुड। दन नेक्स्ट, जी म्योस्टन आइनर सेडे काउफेन। आइनत सेडे, नुमर द्राई उंड वेल्चेस वोर्ट। कौन सा वर्ड लिखोगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में? पर्टिकुलर वर्ड अपने वहां पे कौन सा नोटिस बोर्ड पे दिख रहा है आपको? म्यूजिक रिस्टिश, नुमर ड्राई उंड म्यूजिक। दान नेक्स्ट, जी म्योस्टेन आइनेन द्रुकर काउफेन, वाज बेडॉयटेड द्रुकर, आइनेन द्रुकर प्रिंटर। ओके, प्रिंटर जो अपने कंप्यूटर के साथ आता है, प्रिंटर। सो आइनन द्रुकर काउफेन, गेशेफ्ट नुमर या रिश्टिश जेक्स उंड वॉर्ट। कंप्यूटर, वेरी गुड। देन आइनेन क्यूल श्रांक काउफेन, क्यूल
इज कूल, श्रंक इज समथिंग लाइक कबर, तो क्यूल श्रंक का मीनिंग क्या होगा? क्यूल श्रंक, क्यूल श्रंक इज फ्रिज, कियोस्क नहीं, कियोस्क कियोस्क मतलब जो ऐसे छोटे ठेले होते हैं, हमें कियोस्क ये वर्ड पहले भी आके गया है, जैसे जिसको हम लोग टपरी बोलते हैं, छोटा सा दुकान जो होता है ना रास्ते पे, उसे कियोस्क बोलते हैं। ओके, और क्यूल श्रंक मतलब फ्रिज। तो इलेक्ट्रोराइक मतलब इलेक्ट्रिक सामान का जो दुकान होगा वहां पे फ्रिज मिलेगा, राइट? तो इलेक्ट्रोराइक, नुमर फ्यूम्फ, नुमर फ्यूम्फ, गेशेफ नुमर फ्यूम्फ। देन जी म्योस्टेन आइनर साइटुंग काउफेन वास्पेडोटेट साइटुंग, साइटुंग बहुत बार हो चुका है हमारा, न्यूज़पेपर रिश्तेश, और न्यूज़पेपर हमें वो छोटी सी दुकान में से मिल जाता है, सो कियोस्क इज छोटा सा दुकान, ठीक है? सो आइनन साइटों, आइनत साइटों का कॉइफेन नुमर स्वाई कियोस्क। ओके देन ये स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल पे एसएमएस दिख रहा है, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल रीड दैट मैसेज, और उसके साथ साथ फिर क्या करना है हमें वो देखेंगे। अर्णव प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड द मैसेज। यस अर्णव, माय मैम डायलॉग नाइन, जो स्क्रीन पे आपको ये फोन पे दिख रहा है ना, फोन पे एक मैसेज टाइप किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे वो वाला। हेलो जेनी, इस कान ही होइटर, निष्ट कौशन इस अरबाइट बिस आक्ट वीर क्योनेन दान आइन पिज़्ज़ा बेस्ट तेलेन ओके ग्रुब माइकल। ग्रूस माइकल रिश्तेश, वेरी गुड। ओके सो फर्स्ट हम लोग ये मैसेज आपने अभी पढ़ा है, इसका मीनिंग बाद में देखेंगे। ओके हेलो जेनी, इश कान हॉइटर, हॉइटर इज टुडे, निस्ट कॉखेन इश अरबाइटर बिस आक्ट वी आर क्योनेन दन आइना पिज्जा वेस्टेलन ओके ग्रूस माइकल। तो अभी ये पढ़ के आपको क्या लगता है, मैसेज किसने किसे भेजा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, माइकल टू जेनी और जेनी टू माइकल, मैसेज देख के भी ये पता चल ही जाएगा, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि सिर्फ चैट बॉक्स में ऐसा टाइप कीजिए, ये मैसेज माइकल टू जेनी है या जेनी टू माइकल है। ओके राहुल, माइकल टू जेनी। अर्णव, आपको भी यही लगता है, माइकल टू जेनी, तो माइकल ने जेनी को ये मैसेज भेजा है। दान वासिस ट्रिस्टिश, यहाँ पे देख लीजिए राइट हैंड साइड के कॉर्नर में वासिस ट्रिस्टिश, आपको ये जो 1 2 3 4 5 पांच ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताना है, ठीक है? तो एक एक ऑप्शन आप पढ़ते जाओगे। राहुल आपका माइक ऑन कीजिए, पहला जो ऑप्शन है वो पढ़िए वासिस ट्रिस्टिश के यहाँ का, और बताइए वेदर इट इज ट्रिस्टिश और फाल्स। माइकल शेक शेक आइन आइन एसएमएस प्रिस्टिश। या वेरी गुड, शिक्ट इसका वर्ब है शिकेन, शिकेन इज टू सेंड। ओके अभी इसका कॉन्जुगेशन आपको खुद को गेस करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्जुगेशन है, इज शिक दू शिक्स एर्जियस शिक्ट वी आर शिकेन ईयर शिक्ट जी शिकेन। ओके
तो उस हिसाब से जैसे माइकल थर्ड पर्सन आया तो शिक्ट हो गया है अपने सेंटेंस में. देन नेक्स्ट सेंटेंस अर्णव आप पढ़ लीजिए. जेनी कान निष्ट कौशन कोखेन या कोखेन रिश्ते रिश्ते रिस्टेस छोड़ो रिस्टेस रिश्तेश ऑर्डर फाल्स. ओके हम लोग अभी एसएमएस के मीनिंग पे जाते हैं. आप माइक ऑफ कीजिए आपका. देखो अभी एसएमएस में कैसा है. हेलो जेनी, तो माइकल जेनी को पहले एसएमएस में हेलो कह रहा है. उसके बाद इश कान हॉइट निस्ट कोखेन, मतलब माइकल ऐसा बोल रहा है कि आई कैन नॉट कुक टूडे, कोखेन इज कुक टू कुक, हॉइट टूडे कान क्योंन आपको पता है, तो आज मैं कुक नहीं कर सकता. इश अरबाइट बिस आक्ट, मुझे 8 बजे तक काम है. वियर क्योनन दान आइना पिज्जा बेस्टेलन, इस वजह से हम लोग पिज्जा बेस्टेलन इज टू ऑर्डर, पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे, हम पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं. ओके ग्रूस माइकल, अभी ये माइकल ने भेजा हुआ मैसेज है. आज मैं कुक नहीं कर, आज मैं खाना नहीं बना सकता क्योंकि मैं 8 बजे तक काम कर रहा हूँ, हम लोग पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, इतना माइकल ने जेनी को बताया है. अभी फिर से एक बार सेंटेंस पढ़िए और बताइए रिश्ती शोडर फाल्स अर्णव. जेनी कान निस्ट क्वेश्चन नाइन फाल्स, नाइन हाँ या फाल्स. माइकल का निस्ट कॉकन इस्ट रिश्तेश. ओके द नेक्स्ट राहुल. माइकल अरबाइटेड हॉइट बेस आफ्ट रिश्तेश. या वेरी गुड, आगे का भी पढ़ लीजिए आप ही. माइकल कोक हॉइट फॉल्स. या वेरी गुड डन. अर्णव नेक्स्ट सेंटेंस. जेनी उंड माइकल क्योनेन आइन पिज़्ज़ा बेस्ट एलन रिस्टिश या वेरी गुड डन. वेल्श एंटवर्ट पास्ट. अभी नीचे जो राइट हैंड कॉर्नर में नीचे दिए गए हैं ना, उसमें ऐसे दो ऑप्शंस है आपके पास, आ उंड बे, जिसमें कौन सा आंसर जेनी माइकल को भेज सकती है. ओके मतलब ये जो माइकल ने जेनी को मैसेज भेजा है उसके रिस्पॉन्स में जेनी माइकल को और क्या भेज सकती है, तो ये दो में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है. पहले हम क्या करेंगे, आप दोनों को एक एक डायलॉग पढ़ने मिलेगा, दोनों एक एक डायलॉग पढ़ लो और फिर उसके बाद जो करेक्ट आंसर है वो चैट बॉक्स में लिख के दे दो. ठीक है, दोनों का हो जाने के बाद. राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड आ. हेलो माइकल, वी आर हैव एन लाइडर काइंड ऑफ पिज्जा आवर वी आर हैव एन नॉक बियर वाइन ओन मिनरल वासा ग्रोस जेनी. या ओके डन. अर्णव प्लीज रीड ऑप्शन बी. हेलो माइकल, वीर ब्राउकन काइन पिज़्ज़ा, वीर हैबन नॉक कार्टोफेल ज़्वीबेन एंड टमाटर टोमेटन हॉइट कोश इस ग्रूस जेनी. ओके वेरी गुड. तो अभी खुद का खुद थोड़ा सा इमेजिन कर लो कि दोनों दो, जो दोनों आंसर्स आपने पढ़े उसमें से क्या, उसका मीनिंग क्या हो सकता है और हिसाब से आपको कौन सा आंसर सही लगता है, आ ओडर बे. ओके राहुल को लगता है बी. अर्णव आपको क्या लग रहा है, बी. ओके परफेक्ट, तो बी इज ट्रिश, बे इज ट्रिस्टिश. राहुल आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि सेकंड का जो बी ऑप्शन आपने बताया उसका मीनिंग क्या है. मैम ही इज नॉट हैविंग ओनियंस पोटैटोज, सॉरी शी इज नॉट हैविंग ओनियन पोटैटोज एंड टोमेटोज टू मेक द पिज्जा. ओके तो हाँ, तो पर माइकल ने तो बताया है ना कि शी इज, आप क्या बोले, शी इज नॉट हैविंग. हाँ हाँ बट माइकल ने वैसे भी उसको बोला है कि हम लोग पिज्जा ऑर्डर करेंगे, घर पे बनाना ही नहीं है, तो फिर बी शी क्यों. कैनॉट ब्रिंग पिज्जा एंड देन शी कैनॉट एज वेल एज इज नॉट हैविंग दिस. ओके 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 प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. देखो इसका आपका आंसर तो सही है लेकिन मीनिंग ऐसा है, हेलो माइकल
Wir brauchen. Brauchen, was bedeutet brauchen? Ja, brauchen, ja, need. We don't brauchen keine. Keine is for negative, right? तो हमें पिज्जा की जरूरत नहीं है. काइना पिज्जा. वी आर हैबन नॉक. नॉक का मीनिंग क्या होता है? नॉक का मीनिंग निश्ट नहीं होता. ओके, वी स्टिल हैव. वी आर हैबन. हैबन इज टू हैव. नॉक का ऐसे जैसे हमारे पास है, ऐसा बोलने के लिए एक जो तसल्ली दी जाती है ना, उसमें एक नॉक ऐसा वर्ड यूज किया है. ओके, सो वी आर हैबन कार्टोफेल. कार्टोफेल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो सब्जियों की लिस्ट हमने पढ़ी थी, उसमें आया था कार्टोफेल पोटैटोज. सो वी हैव, वी स्टिल हैव पोटैटोज. स्विबेल. स्विबेल क्या होता है? अनियन. ऋषिश. उंड टोमैटन. सो वी स्टिल हैव पोटैटो अनियन एंड टोमैटो इन अवर हाउस. हॉइट कॉख इश. आज मैं कुक करूंगी, आज मैं खाना बनाती हूँ, ऐसा उसका कहना है. ओके, इसलिए बी करेक्ट आंसर है कि उसने ऐसा बताया कि मैं आज खाना नहीं बना सकता तो हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ऐसा माइकल ने कहा. उस पे जेनी ने ऐसा रिप्लाई दिया कि ठीक है, पिज्जा की हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास पोटैटो अनियन और टोमेटो है. आई विल कुक टुडे. इस दिस क्लियर? ओके, पहला रिप्लाई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि पहले को मीनिंग नहीं है. हेलो माइकल, वी आर हैबन लाइडर काइन ऑफ पिज्जा. हमारे पास पिज्जा नहीं है. तो माइकल का ऐसा कहना भी नहीं है कि हमारे पास घर पे पिज्जा होना चाहिए. वो वैसे भी बोल रहा है कि ऑर्डर करना है, तो इसलिए यहीं पे पहला आंसर गलत होता है. हमारे पास बियर है, वाइन है, हमारे पास मिनरल वाटर है, ये तो कुछ खाने की चीजें नहीं है. तो इसलिए सेकेंड सेंटेंस को भी मीनिंग नहीं है, फर्स्ट को भी नहीं. इसलिए पहला वाला तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, सेकेंड वाला इसलिए राइट है क्योंकि ऐसा मीनिंग है उसका कि भले ही हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, हमारे घर पे चीजें है. सो वी आई कैन कुक, आई विल कुक. ओके, डन. तो ये एक बेस्टेलन, ये नया वर्ब हमने देखा है, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्जुगेशन है. जैसे अपना अरबाइटन का होता है वैसे ही बेस्टेलन का है, थोड़ा सिमिलर. तो इसलिए ये बेस्टेलन का कॉन्जुगेशन लिख के ले लो. इश बेस्टेलो दू बेस्टेल्स एलजीएस बेस्टेट. वी आर बेस्टेलन. ई आर बेस्टेट. जी बेस्टेलन. सो प्लीज राइट डाउन दिस कॉन्जुगेशन फॉर बेस्टेलन. ब्राउखेन का शायद हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, है ना? ब्राउखेन का कॉन्जुगेशन है आपके पास लिखा हुआ. इश ब्राउख दू ब्राउक्स्ट एरजियस ब्राउक्ट. वी आर ब्राउखेन. ईयर ब्राउक्ट अगेन. जी जी ब्राउखेन. ब्राउखेन इज टू नीड समथिंग. ओके, बेस्टेलियन इज टू ऑर्डर समथिंग.
हो गए दोनों के कॉन्जुगेशन लिख के, ब्राउकेन उंड बेस्टेलन। ओके नेक्स्ट इज जॉर्ज वॉल्डर एर्थसेल्ट। एर्थसेल्ट इज टू टेल समथिंग। ओके तो एर्थसेलन ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टेल। एर्थसेलन का कॉन्जुगेशन थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, तो वो एक बार आप लिख के ले सकते हो या फिर बाद में लिख लो। ठीक है, थोड़ी देर बाद में आपको टाइम देती हूँ टू राइट दिस। ये टेक्स्ट पढ़ना है। राहुल प्लीज स्विच ऑन योर माइक टू रीड दिस टेक्स्ट। Ich habe ein Haus, काइन kein Haus und keine Wohnung, aber ein Zelt habe ich. Ich brauche kein Internet und kein Handy, aber Freunde habe ich trotzdem überall. Meine Zuhause ist die Straße, einen Wagen, ein Motorrad oder ein Fahrrad brauche ich nicht. Nicht meine Meine Füße. Füße sind ja gesund. Eine Frau und Kinder habe ich auch nicht. Aber einen Hund, Toby, heißt er. Geld brauche ne, ich nicht. Ich brauche meine Frei. Frei halt. ओके सेयर गुड। अर्णव आप भी एक बार पढ़ लो ये पैराग्राफ। अर्णव यस मैम। यस प्लीज रीड दिस पैराग्राफ अगेन। इश हाब काइन हाउस उंड काइन वोनुंग आबर आइन जेल्ट हाब इश ब्रोक काइन इंटरनेट उंड आइन हांडी आबर फेरुंड फ्रेंड फेरुंड हाब इश ट्रॉड्सडेम ओबरल माइन जू जू हाउस इस्ट दी स्ट्रास स्ट्रासर आइन स्ट्रास आइनन वागेन आइन मोतरोद ओदर आइन फराद ब्राउख इश निश्ट माइन फ्यूज सिंड जा गेसुंड आइन फ्राउ उंड किंडर हाब इश्ट आउश निश्ट आबर आइनन हुंड टोबी हाइस्ट एर गेल्ड ब्राक इश निश्ट इश ब्राको माइन फ्री हाई ट्राई फ्री हाइट। ट्राई हाइट वेरी गुड। ओके सो इसका एक बार हम लोग मीनिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जो दिया गया पैराग्राफ, नीचे जो दिए गए क्वेश्चन से वो सॉल्व कर लेंगे। इश हाबक काइन हाउस उंड काइन वोनुंग। काइन मतलब निगेटिव मीनिंग आ जाता है इसमें कि इश हाबक काइन हाउस, मेरे पास घर नहीं है। वोनुंग मतलब क्या होता है? अपार्टमेंट। ओके हाउस ओडर अपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। आबर आइन सेल्ट हाब इश, बट मेरे पास क्या है? वाज बेड आउट एट सेल्ट। सेल्ट हमें पहले आके गया है, सेल्ट ये वर्ड टेंट रिश्तिश। आबर आइन सेल्ट हाब इश, मेरे पास टेंट है। देन इश ब्राउख काइन इंटरनेट उंड काइन हांडी, मुझे इंटरनेट और मोबाइल की जरूरत नहीं है। आबर फ्रेंड हाब इश ट्रस्टेम यूबराल, कहीं पे भी एवरीवेयर एनी टाइम एनी वेयर आई हैव माई फ्रेंड्स विथ मी। ओके देन माइंड सू हाउस इज दिश त्रास,
मेरा घर मतलब श्त्रासे, वाज बेडोटेड श्त्रासे। निश्त सिटी श्त्रासे इज स्ट्रीट, जो एड्रेस में जर्मन में आपने कहीं पे अगर एड्रेस पढ़े होंगे ना, तो उसमें श्त्रास आता है, तो जो हम लोग रोड का नाम लिखते हैं ना, उसमें वो श्त्रास होता है। सो दैट श्त्रास इज स्ट्रीट, माइनर टू हाउस इज दि श्त्रास। उंड आइनेन वागेन, वागेन इज कार, आइन मोटरराड मोटर बाइक, ओडर आइन फाराड, फाराडिस्ट, फाराड भी हमारा हो गया है। मोटोराइड इज मोटरसाइकिल, फाराड इज यस, वेरी गुड। फाराड इज बाइसिकल, सो वागेन इज कार, मोटोराड इज मोटर बाइसिकल, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर बाइक्स जो होती है वो। फाराड इज बाइसिकल, ब्राउख इज निश्ट, मुझे इनकी किसी इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। माइनर फ्यूज जिंड या गेजुंड, मतलब मेरे फ्यूज पैर, फ्यूज पैर, जिंड या गेजुंड आर हेल्दी, गेजुंड इज हेल्दी, गेजुंड बेडाइटेट हेल्दी। माई लेग्स आर हेल्दी, सो ही कैन वॉक एनी वेयर। आइन अ फ्राउ उंड किंडर हाबर इश आउख निश्ट, मुझे बीवी बच्चे भी नहीं है, आबर आइन एन हुंड, मतलब बीवी बच्चे नहीं है, बट ही हैज हुंड। हुंड का मतलब क्या होता है, हुंड भी हमें हो चुका है, डॉग। टोबी हाइस्ट एयर, तो उसके डॉग का नाम क्या है, टोबी। अभी आप यहाँ पे ये सेंटेंस में देख सकते हो कि ये सेंटेंस दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो टोबी हाइस्ट एयर, इसका मीनिंग भी यही है कि उसके हुंड का नाम टोबी है, ग्रामेटिकली भी ये सेंटेंस करेक्ट है, और सेकेंड वे टू राइट दिस इज एयर हाइस्ट टोबी, ये भी करेक्ट ही है, राइट। हमारा ग्रामेटिकल रूल क्या है, सेकेंड पोजिशन पे आपका वर्ब होना चाहिए, तो हाइसेन ये वर्ब है, वो हाइसेन इज कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू एयर, इसलिए उसका हो गया है हाइस्ट, और वो हाइस्ट सेकेंड पोजिशन पे है। बाकी की चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी कुछ सेंटेंस का हो, वो कहीं पे भी हो तो चलता है, सेकेंड पोजीशन पे आपका वर्ब होना जरूरी है। ओके तो वो रूल फॉलो करके ये सेंटेंस करेक्ट है, टोबी हाइस्ट एयर, ओडर एयर हाइस्ट टोबी, दोनों सेम ही होंगे सेंटेंस। गेल्ड ब्राउख इश निश्ट, गेल्ड मनी, आई डोंट नीड मनी, इश ब्राउख माइनर फ्राई हाइट, फ्राई हाइट बस पेडाइटेड फ्राई हाइट, फ्रीडम और फ्री टाइम। ओके, मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, समझ में आया पैराग्राफ का मीनिंग। तो ऐसा एक जॉर्ज वॉल्डर नाम के बंदे के बारे में लिखा है कि उसे क्या क्या चाहिए, उसको हाउस या रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, उसके पास टेंट है और उसका घर मतलब स्ट्रीट ही है, स्ट्रीट पे कहीं पे भी टेंट लगा के वो रह लेता है, उसे किसी भी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, वो खुद के पैरों से यहाँ वहाँ चलता है, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे फ्रीडम चाहिए, उसके पास बीवी बच्चे वगैरह कुछ नहीं है उसके, लेकिन उसके पास उसका अपना कुत्ता है। ओके तो ये इतना उस इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मीनिंग है, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, हट जॉर्ज वाइल्डर आइन हाउस, मतलब उसके पास डज ही हैव हाउस,
जो करेक्ट आंसर होगा उस पे आपको टिक करना है। जैसे देखिए, आइन हाउस, या तो दो ऑप्शन है आपके पास, आइन हाउस हार्ट ओडर ब्राउक्ट जॉर्ज डब्ल्यू, ओडर आइन हाउस हार्ट और ओडर ब्राउक्ट एयर निस्ट। तो इसमें से कौन से में टिक करोगे आप, फर्स्ट या सेकंड, वो आपको बताना है। ओके, तो पहला जैसे ऐसा आएगा, पहला सेंटेंस में ऐसा पढ़ूंगी, आइन हाउस हार्ट ओडर ब्राउक्ट एयर निस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको सेकंड सेंटेंस बोलना है, जैसे आइन वोनो, और फिर जो कौन सा दो ऑप्शंस में आएगा वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड के है वो सारे राहुल आप कंप्लीट कीजिए, राइट हैंड साइड के सारे अर्णव कंप्लीट करेगा। ओके, सो राहुल प्लीज स्टार्ट, यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस। आई न वो नंग ब्रॉक्ट एर निक्ट या रिस्ट्रिक्ट द नेक्स्ट, आइन जेल्ट ब्रॉक्ट हार्ट ब्रॉक्ट जॉर्ज हार्ट हार्ट एयर पढ़ा तो भी चलेगा, उसका नाम मत पढ़ो, हार्ट एयर। हार्ट एर इंटरनेट ब्रॉक एंड निट रिस्ट्रिक्ट हांड आइन हांडी ब्रॉक एंड निट रिस्ट्रिक्ट फ्रॉइंड हार्ट एयर या वेरी गुड, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। अभी अर्णव आप पढ़ लीजिए जैसे राहुल ने पढ़ा। आइन ऑटो ब्राक्ट एर निस्ट, आइन मोटरा मोटरा मोटराड ब्राउट एर निस्ट, आइन पेराड ब्राउट एर निस्ट, आइनेन हुंड हार्ट जॉर्ज डब्ल्यू गेल्ड ब्राकेस एर निस्ट प्री हाइट हाइट ब्रॉक जॉर्ज वी। या वेरी गुड। ओके, तो अभी हमें फॉर्मिलियर जी एस अंदर्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको ये सेंटेंस दिया है, जैसे एयर हार्ट काइन हाउस, आइन हाउस हार्ट एयर निस्ट। ओके, तो काइन के फॉर्म में आप हमें सेंटेंस दिया है, तो उसका निस्ट के फॉर्म में हमें चेंज करना है। ओके, समझ में आया। तो जैसे सेंटेंस में क्या दिया है, एयर हार्ट काइन हाउस, जिसका मीनिंग ये होता है कि उसके पास घर नहीं है। ओके, सिमिलरली हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग काइन वी आर गोइंग टू यूज निस्ट। तो उसमें कैसा किया हमने, आइन हाउस हार्ट एयर निस्ट। ओके, दो सेंटेंस में डिफरेंस पता चल रहा है आपको। पहले में देखिए कैसा है, पहले सब्जेक्ट लिखा है एयर, हाबेन का, हाबेन ये वर्ब है, उसका कॉन्जुगेशन करके हार्ट, और फिर काइन हाउस। अब ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, एयर हार्ट आइन हाउस, जिसका मीनिंग होगा उसके पास एक घर है, यहाँ पे काइन यूज किया है, निगेटिव फॉर्म है, राइट। तो एयर हार्ट काइन हाउस, उसके पास घर नहीं है, ये सेंटेंस थोड़ा सा रिफ्रेम करके हम कैसे बोल सकते हैं विथ सेम मीनिंग, आइन हाउस हार्ट एयर निस्ट। ओके, हमने रूल को चेंज नहीं किया है, ग्रामेटिकली कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे वर्ब है, आइन हाउस ये पूरा एक वर्ड है, आइन इज वन हाउस, वन के लिए आइन यूज किया गया है, तो आइन हार्ट ऐसा नहीं होगा, आइन हाउस ये पूरा अपने सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया है। सो आइन हाउस सेकेंड पोजिशन पे वर्ब आया, हार्ट एयर अपना सब्जेक्ट था, निस्ट आगे ऐड हुआ। सिमिलरली आबर एयर हार्ट आइन सेल्ट, ओके, इसको हमने कैसे चेंज किया, आबर आइन सेल्ट हार्ट एयर। ओके, सिर्फ इतना सा चेंज करना है, फर्स्ट लाइन चेंज होगा उसके हिसाब से सेकेंड लाइन चेंज होगा। समझ में आ गया आपको क्या करना है वो, या ऑर्डर 9 चैटबॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। पहले सेंटेंस में काइन की जगह पे आपको निस्ट ऐड करना है, ओके, और उस हिसाब से आपका सेकंड सेंटेंस चेंज हो रहा है। आपको
रूल याद रखना है दैट देर शुड नॉट देर शुड बी वर्ब ऑन योर सेकेंड पोजिशन. इस इज क्लार ओडर निस्ट क्लार. या ओके. तो फर्स्ट सेंटेंस आप एक काम कीजिए, तीनों सेंटेंसेस को आपके नोटबुक में लिख के लीजिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल पहला आप लिख के लोगे एयर हार्ट काइंड हैंडी, उसके बाद जो आपका आंसर होगा वो वाला सेंटेंस लिख लीजिए. देन नेक्स्ट अबर एयर हार्ट फ्राइंड, उसका भी जो चेंज करके सेंटेंस होगा वो भी लिख लीजिए. ओके ऐसा तीनों का कर लीजिए कंप्लीट. आई गिव यू सम टाइम फॉर दैट, और उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे कैसे चेंज हो गया आपका सेंटेंस वो. हो गया लिख के.
आपका हो जाने के बाद चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या हो गया है कुछ भी। राहुल, तो सेकंड वाला जो होगा वो पढ़ लीजिए। हाँ, आइन हार्ट काइन एक्ट पूरा पूरा पढ़ लीजिए, पहले एयर हार्ट। एयर हार्ट काइन हाउस आइन नहीं, हाउस वो वाला नहीं, उसके उसके बाद वाला जो करने के लिए है, एयर हार्ट काइन हांडी। एयर हार्ट काइन हांडी आइन हांडी हार्ट एयर नेस्ट रिश्तेश आबर एयर हार्ट फ्रॉइंड अबर आइन फ्रॉइंड हार्ट एयर ओके। अभी यहाँ पे सिर्फ आइन नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉइंडा प्लूरल है, तो आइन वन के लिए होता है। सो पक्की करेक्ट है, आबर फ्रॉइंड हार्ट एयर। ओके, वेरी गुड। देन अर्णव, नेक्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। मैम फ्रॉम सेवेंथ ये वाला एयर हार्ट काइना फ्राउ, फोर फाइव फिफ्थ फिफ्थ एयर हार्ट काइना फ्राउ उंड काइना किंडर। यहाँ पे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो चीजें दी गई है, राइट? मैम लिख लिया एयर है आपने फिफ्थ सेंटेंस का, एयर हार्ट काइना फ्राउ। आइना फ्राउ हार्ट एर्नेस्ट ओके, उंड काइन किंडर। नहीं, काइना छोड़ के हमें निस्ट का यूज करना है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज, आइदर आपने जैसे किया कि दो सेंटेंसेस अलग ही बनाना चाहते हो, तो जैसे आइना फ्राउ हार्ट एयर निस्ट उंड किंडर आउक हार्ट एयर निस्ट। ओके, अब यहाँ पे आइना नहीं आएगा, काइना निकाल रहे हैं, इसकी वजह से जो आइना हम लोग लगा रहे हैं ना जैसे फ्राउ के टाइम पे किया, वो नहीं आएगा क्योंकि काइना फ्राउ किस लिए है, दी फ्राउ का होता है आइना, उस हिसाब से होता है काइना, सिंगुलर है। किंडर इज प्लूरल, दस किंड दी किंडर, किंडर प्लूरल है तो इसलिए काइना किंडर तो हो सकता है क्योंकि बच्चे नहीं चाहिए ये, ठीक है, बट आइना किंडर ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो या तो आपने जैसे किया वैसा हम लोग कर सकते हैं, दैट आइना फ्राउ हार्ट एर्निस्ट उंड किंडर आउक हार्ट एर्निस्ट। ओडर व्हाट वी कैन डू इज आइना फ्राउ उंड किंडर हार्ट एर्निस्ट। क्लार? यस मैम। देन यस, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लीजिए। आइनेन हुंड हार्ट एर्नेस्ट। निश्चित नहीं, अभी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस ही है, हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज करना। एयर हार्ट आइनेन हुंड, आइनेन हुंड एयर हार्ट, हाँ सॉरी, आइनेन हुंड हार्ट एयर, ये सही होगा। ओके, पहले सेंटेंस में हमें करना क्या था, जो पहले सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें वो सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए उसमें काइन का यूज किया है, हमें सिर्फ वो काइन हटा के निश्चित करना है। और जहाँ पे काइन नहीं है, जहाँ पे चीजें है जैसे उसके पास एक कुत्ता है ऐसा बोलना है ना, तो उसमें हमें निस्ट ऐड नहीं करना, सेंटेंस का मीनिंग वही रहने देना है, सिर्फ
रिफ्रेम करना है उसको. ओके, सो आइनन हुंड हट एर. देन नेक्स्ट राहुल, एक सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, एक सेंटेंस फिर अर्णव पढ़ेगा. एयर ब्रॉक काइन गेल्ड गेल्ड ब्रॉक एयर नेश या रिष्टिश. देन अर्णव, नेक्स्ट सेंटेंस. एयर फ्री हाइट हार्ट एयर नेस्ट. नहीं, हार्ट हमें लाना ही नहीं है अभी. ब्राउट है ना, ब्राउकेन वर्ब है तो वही यूज करेंगे हम लोग. यहाँ पे दिया है देखो, इसके लिए ये नीचे दिया है, एयर ब्राउट जाइनर फ्राई हाइट. ओके, मतलब उसे उसका फ्रीडम चाहिए. जाइनर फ्राई हाइट ब्राउट एयर. ओके, जाइनर इज हिज के लिए जाइनर यूज किया गया है ना यहाँ पे. एयर का जो जाइनर होता है, हमने एकदम पहले सीखा है ये. इश माइन दू दाइन, एरजीएस में एर का जाइनर याद आया आपको? तो उस हिसाब से यहाँ पे जाइनर वैसे ही रहेगा. अभी यहाँ पे जाइनर का आइना वगैरह नहीं होगा, तो जाइनर फ्राई हाइट ब्राउट एर. दैट्स इट, क्लियर? आपने लिख के लिया होगा तो एक बार शांति से फिर से पढ़ लो. आपके आंसर जो हमने अभी डिस्कस किया वो तो आपको समझ में आ जाएगा. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ काइना हटा के हमने हर जगह निश डाला है, और जहां पे प्लूरल है वहां पे काइना तो यूज होता है, लेकिन उसका अपोजिट आइना यूज नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है तो आइन का मीनिंग वन होता है. ठीक है, ओके. तो अभी बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में. कल 5 बजे चलेगा ना दोनों को? टुमारो सेम टाइम या अर्णव? यस मैम. ओके, डन. डन, चूस.